आज बनाएंगे हम ब्रेड रबड़ी मिठाई। ब्रेड रबड़ी मिठाई वो सभी की फेवरेट है और बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम दामों में बनती है। तो हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। आप भी तैयार हो जाइए, आप भी बनाने की तैयारी कीजिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं, देर किस बात की। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाय सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड से एक मिठाई। ब्रेड से हम मिठाई बनाएंगे तो हमने ली हैं 6 ब्रेड। ये 6 ब्रेड हैं और इनके हम किनारा काट लेंगे ब्रेड के। देखिए एक साइड रख देंगे और ये हमने सैंडविच वाली ब्रेड ली हैं तो इनकी ये हम काट देंगे। और जो हमारी जो किनारे निकलती है, ये निकलती है तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका चूरमा बना के इसे किसी भी रेसिपी में हम ले सकते हैं, किसी में यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही देख काट लेंगे इसे और ये काट लेंगे इधर। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हमने इनके किनारे निकाल दिए और इनको एक ब्रेड के दो दो हिस्से कर दिए हैं। अब हमने गैस पर ये रखी है कढ़ाई, तो उसमें डाला है घी। देखिए घी डाला है, घी को हम गरम होने देते हैं। देखते हैं हम घी, देखिए घी गरम हो रहा है, अभी गरम नहीं है। इसे थोड़ा और गरम होने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें ये ब्रेड हम सेकेंगे। देखिए घी गरम हो गया है तो हम डाल देंगे ये जो हमने ब्रेड लिए हैं ना, तो इनकी दो दो इनको डाल देंगे। लीजिए जितनी जितनी आपकी कढ़ाई में बन जाए इनको हम सेक लेंगे धीरे धीरे। देखिए हम इनको पलट रहे हैं, इनका बढ़िया सा कलर ब्राउन हो रहा है। जितनी आपकी इस कढ़ाई में बन जाए उतने पीस आप आराम से इन्हें सेक लें। देखिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए और हम बाकी की इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें दूध 1 कप भर के फुल फैट दूध, और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच भर के। 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 हो गए। मैंने इसमें 6 चम्मच 5 से 6 चम्मच डाले हैं। आपको कम डालना हो तो आप कम डाल सकते हैं और ज़्यादा डालना हो तो आप इसी तरह डाल सकते हैं। और इसको हम करेंगे अब मिक्स, गरम करने से पहले से पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रह जाए, कहीं रोरी ना रह जाए, इसकी गांठ ना पड़ जाए मिल्क पाउडर की। तो हम इसे करेंगे मिक्स। देखिए अब इसको हमने देखिए गैस भी जला दी और तवे, अब हम बराबर से यहाँ से वहाँ चलाते रहेंगे नहीं तो ये बैठ जाएगा एक जगह। हम इसको बराबर ऐसे ही कर रहे हैं कुछ ही देर में बस। देखिए दूध उबल रहा है तो इसमें अब हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी हम डाल देंगे 2, 3, 4 और 5। हमने 5 चम्मच चीनी डाल दी है। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, आप जैसा मीठा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी डालें। और दूध जितना आपको ज़्यादा लेना हो या कम और लेना हो, जैसे आपके घर में यूनिट हो, लेकिन आप जब एक बार ऐसी मिठाई बनाएंगे ना, वाह सभी लोग
आपकी तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। तो देखिए अब दूध हमारा ये कुछ ही मिनटों में गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल अपने फॉर्म में आ जाएगा और जो हमारे ये किनारे हैं इसको भी हम निकालते जाएंगे। ये बड़े ही अच्छे लगते हैं और इनसे और टेस्ट बढ़ता है। बढ़िया खुशबू आ रही है दूध की। अब इसमें आपको क्या डालना है, हम इसमें डालेंगे इलायची। आप क्या डालना चाहते हैं इसमें, आप जो भी डालना चाहते हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। तो मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। देखिए इसको हम करते हैं मिक्स। बस 2-3 मिनट रह के बाद ये 2-3 मिनट में बस गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, क्योंकि ये ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम और जो प्रोसेस करेंगे वो आपको हम फिर दोबारा से दिखाते हैं आगे। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें एक कप, आप कप, कटोरी, कुछ भी एक मेजरमेंट कर लें उसी से आप सारा नाप ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम पानी और हम जलाएंगे गैस को। हमें इसकी चाशनी बनानी है, एक तार की नहीं पर अच्छी बनानी है। ऐसी चाशनी हो जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं, वैसे ही हमें इसकी चाशनी बनाते हैं। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई। देखिए इसकी लास्ट ड्रॉप। और ऐसे हमें हाथ से देख लें, यदि ऐसे हमें पता नहीं चले तो हम हाथ से देख सकते हैं। ऐसे वो चिकना चिकना लगे, जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं ना। देखिए तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब जो हमारी ब्रेड है ना उनको हम इसी में डिप करेंगे। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। कुछ मैंने ऐसे छोटे छोटे भी पीस किए हैं तो इनको हम ऐसे डाल देंगे और तुरंत इनको निकालते जाएंगे, नहीं तो ये नरम बन जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। और कुछ मैंने ये लंबे लंबे भी लिए हैं, अब इनको ऐसे हम डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो हमने एक ये पीस लिया है और इसमें हम लगाएंगे ये रबड़ी। देखिए अच्छी सी लगा देंगे। देखिए कितने कम खर्चे में सस्ती मिठाई हमारी ये तैयार हो गई है। तो लीजिए देखिए देखिए आप देख रहे हैं, देखिए हमारी ये मिठाई तैयार हो गई। हम ऐसे ही पूरे पीस बना लेंगे। देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी सस्ते में और बनने वाली मिठाई तैयार हो गई है। हम मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो ये हज़ार हज़ार रुपए किलो में मिलती है और कितना लेते हैं, नहीं ले पाते इतना। तो लीजिए घर में बन गई है और सभी के लिए, पूरी फैमिली के लिए, और बड़ी जल्दी ही बन जाती है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा खर्च नहीं, घर के ही सामान से बन के तैयार हो गई है ये हमारी ब्रेड रबड़ी मिठाई। ब्रेड रबड़ी मिठाई, देखिए मैंने आज ब्रेड रबड़ी मिठाई बनाई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हों तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। साइड में बेल आइकन है उसे भी आप दबा देते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं मेरा वीडियो पर सब्सक्राइब करने में कंजूसी कैसी, वो तो बनता है ना, तभी तो आपको नए नए वीडियो रोज़ रोज़ मिलेंगे। देखिए सस्ते में मिठाई बन गई घर के ही कुछ सामान से।